बहुजन आंदोलन पर महाअधिवेशन हम लगा रहे हैं। बहुजन आंदोलन क्या चीज है हमें इसे समझना होगा, जानना होगा और इसको कैसे हम मंजिले मकसूद की ओर ले जा सकते हैं ये दिशा तय करना होगा, तब कहीं जाकर के ये अधिवेशन सक्सेस माना जाएगा। साथियों, समस्या है और समस्या को समझना है। समस्या आज का नहीं है, समस्या तो यहां पैदा किया जा चुका है, आज का नहीं है। आज जो घटनाएं घट रही है वो घटना है, वो समस्या नहीं है। समस्या को हम भी पैदा कर दिया जा चुका है इस व्यवस्था में। व्यवस्था ने हमको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से अपाहिज बना दिया है, हर तरह से अपाहिज बना दिया है। मैं इसलिए मैं बुजुर्गों का नाम लेना नहीं चाहता, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को आज से नहीं बहुत पहले से संघर्ष में लगे हुए, बुद्ध काल से। बुद्ध ने ये शब्द का उपयोग किया दो अतियों के बीच, दो अति एक स्वर्ग की रास्ता ढूंढने वाले कंकड़ पत्थरों में खड़े होकर के लगे हुए थे, नंगे बदन तक आ गए तो भी एक अति था। दूसरे तरफ एक शोषण हो रहा था, शोषण इतना ज्यादा था लोगों को खाना भी नहीं मिलता था। तो दो अतियों के बीच तो उन्होंने मध्यम रास्ता निकाला और उस मध्यम मार्ग का नाम दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये आज का नहीं है साथियों, ये बहुजन आंदोलन आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ है। ये आंदोलन इसको सम्राट अशोक ने इसको आगे बढ़ाया, ये काफी लंबे समय तक चला। लेकिन कुछ मित्र के आते आते ये आंदोलन का रूप बदल गया, बहुजन पर अल्पजन का राज स्थापित हो गया, बहुजन पर अल्पजन का राज स्थापित हो गया, मनु लाल गया। ये मैंने नहीं बनाया, ये हमें समझना होगा। ये व्यवस्था की समस्या हमें ये आजकल भी क्रिएट किया हुआ है। अगर हम समस्या को नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम इस आंदोलन और अधिवेशन को कर रहे हैं तो साथियों ये समस्या का हमें गंभीरता से अध्ययन करना होगा। जैसे ही अल्पजनों का राज आया, विदेशी ताकतों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। यहां पर बहुत सालों तक, हजारों साल तक और भी ताकतें आई, इन लोगों ने चाहे यूनानी ताकतें आई, चाहे और भी ताकतें आई, सब ने इनके ऊपर कब्जा करके देश के ऊपर शासन चलाया, अपनी संस्कृति और सभ्यता को हमारे ऊपर लादा। हम जरा ये तो बहुत लंबी कहानी है, इतनी लंबी कहानी बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत हम साथ में कहना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस बात को देखा समझा, संत कबीर का भी आंदोलन से हम आगे आते हैं। संत कबीर, संत रविदास, इन्होंने भी स्वाभिमान आंदोलन चलाकर इस बहुजन आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया। ये आंदोलन, ये बहुजन आंदोलन के ऊपर अधिवेशन कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर पहले भी संघर्ष किया है और उस संघर्ष में भी वो हमें थोड़ा थोड़ा संघर्ष होता रहा, थोड़े धक्का लगते रहे, कुछ हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हो पाया। ये जो कहानी है हम इससे साठ में आते हैं तो 1848 के बाद ज्योतिबा फुले, हम बोलते हैं पुणे अम्बेडकरी मिशन की बात करते हैं, आज हम पुणे अम्बेडकरी मिशन की बात करते हैं।
तो ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और अंबेडकर के बाद इस आंदोलन की गति और दिशा में बदलाव आ गया। दिशा में बदलाव आया और बदलाव आने के कारण साथियों उसमें इन तीनों चीजों को उन्होंने ख्याल किया। ये बहुआयामी आंदोलन है, बहुजन एक शब्द है, ये बहुआयामी आंदोलन है, ये एक दिशा या एक काम के लिए नहीं है। हमको हर दिशा में इसको तैयार करना होगा। हम यहाँ के हुक्मरान लोग हो, लेकिन आज हम बोला, सारे लोग हमारे साथी पूर्व के साथी सब लोगों ने बोला, यहाँ के हुक्मरान आज गुलाम बने हुए हैं। हम गुलामों का चेहरा हम अपना नहीं पहचानता है, हम आईना देखते हैं, आईना देख के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन आईना देख के हम अपनी गुलामी को महसूस नहीं कर पाते। कभी हमने सोचा है कि आज ये कपड़े जो मिले हैं, अभी हमारे पूर्व अक्सर जस्ट बोल के गए कि हमारे बुजुर्गों का देन है कि आज हमारे कपड़े का रंग बदला हुआ है, वरना ये कपड़े कभी हमें नसीब नहीं होता। ये आंदोलन चला है, बहुजन आंदोलन हुआ है, इसके जनक बाद में हम इन अंबेडकर के आंदोलन को भी दबा दिया गया था। 1956 के बाद से 1964 के आते आते इस आंदोलन को लगभग दबा दिया गया था। पता पता भी नहीं था ये तो आंदोलन मान्यवर काशीराम जी का कहा जाए कि जब उनको मौका लगे इस बात को सुन तो धक्का लगा, उनको भी धक्का लगा। जब वो पुणे में थे, मैं कहानी बताना नहीं चाहता, सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बाद में उसको देख लेंगे। जब उनको भी महसूस हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखा, उनमें बहुत सारी चीजें बातें रखी हुई, उन्होंने उसको पढ़ा और समझा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर तरह के क्षेत्र में हमारा समाज गुलाम है, अब कैसे इनको मुक्ति दिलाए। एक क्षेत्र के मुक्ति से आंदोलन कामयाब नहीं होगा, हर क्षेत्र में हमको आंदोलन तैयार करना होगा। सबसे ज्यादा हमारे भी बहन एक बोल की गई कि समाज मानसिक गुलाम है। सच कुछ कहें, हम मन से गुलाम हैं, हम तन से तो बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन आज भी हमारा मन गुलाम है। आज भी हम उनकी परवरिश, उनकी परंपरा और उनकी व्यवस्था को मानते हैं। आज भी हम जाते हैं कहीं पर तो चलते हुए कहीं मंदिर दिख जाती है तो हमारा सर ऐसे झुक जाता है, तुम प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, बजरंग बली देखा है कर दिया। ये हर समाज में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। चर्च में जाएंगे तो चर्च के सामने से पास करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी मानसिक गुलामी है। हम इंसान हैं लेकिन हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते, ताकत को पहचानना पड़ेगा। और एक एक गुलामी को समाप्त करने के लिए एक एक तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। केवल एक तरह का आंदोलन से कामयाबी होगी या मुक्ति मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए साथियों इन विषयों के ऊपर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक परिवर्तन, हर दिशा में हमको अलग एक मंच से नहीं, अलग अलग मंच से अलग अलग काम करना होगा। आज हम लोग मंचस्थ हो गए हैं, हम हर कोई पर बहुत सारे मंच के हम आज इतने सारे संगठन बन गई है। सारे भूले अम्बेडकर मिशन की बात करते हैं, सब भूले अम्बेडकर मिशन की बात करते हैं, लेकिन कोई किसी के मंच में आना नहीं पसंद करता, कोई किसी के मंच में जाना नहीं पसंद करता। कोई कहता है कि मैं ये मेरा मंच है, ये मेरा कहीं पद खत्म हो जाएगा। हम पद को नहीं छोड़ना चाहते, पद से चिपके रहना चाहते हैं, मिशन की बात करते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अम्बेडकर मिशन की बात करना है, पूरे अम्बेडकर मिशन के आगे बढ़ाना है तो हमारे अहम को त्यागना होगा, हमें छोड़ना होगा और हमें तैयार करनी पड़ेगी। समाज को आज पढ़ाने का वर्ग है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, कर्मचारी वर्ग तैयार है, सारे रिटायर्ड लोगों की संख्या बड़ी पैमाने में आज आ गई है। बड़े देख रहे हैं आज रिटायर्ड जज से लेकर चीफ जस्टिस से रिटायर्ड तक के पदों के लोग आपके सामने आए हैं। ये पता चलता है कि समाज में पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन ये पढ़ा लिखा वर्ग अभी भी दूध में मलाई, दूध का मलाई अलग है और दूध छाछ की तरह पड़ा हुआ है। अगर दूध की मलाई अलग हो जाए तो छाछ का कोई कीमत नहीं होगा, मलाई को दूध में बना रहेगा तब उसकी कीमत होगी।
उसकी कीमत होगी साथियों। इसलिए साथियों क्योंकि तो मेरा समय समाप्त हो रहा है तो मैं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन इस अधिवेशन को अगर आप सक्सेस बनाना चाहते हैं तो सड़कों में कारनाम में मोर में चलने से काम नहीं चलेगा। हमें इसको समझना होगा, लीडरशिप को समझना होगा कि समस्या को क्या है। अगर हम समस्या को नहीं समझ पाए, समस्या को पेश करते में हमारा समय गुजर जाएगा। हमें समस्या को ऑलरेडी बना हुआ है, उसे कैसे मुक्ति दिलाना है, उसके लिए संगठित होकर समाज करके हमें आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करते हुए, ये बहुत अच्छा काम आपने किया है, अच्छा पैगाम है, ये पैगाम हम लेकर के जाए कि अगर हमें आजादी की लड़ाई के लिए तैयार होना है और उसके लिए हर तरह की तैयारी चाहिए, एक तरह की तैयारी से काम नहीं चलेगा। आजादी की लड़ाई कुर्बानी मांगता है, केवल बातें कुर्बानी नहीं मांगता, कुर्बानी भी मांगता है। तो हमें कुर्बानी के लिए भी लोगों को तैयार करना होगा, तब कहीं जाकर हम आजादी की बात सोच सकते हैं। ये समाज अभी भी गुलाम है, हम अभी भी गुलाम है, हमें अपनी गुलामी का एहसास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत।